हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम लोगों को सामान खरीदना था घर के लिए, मतलब किचन का सारा सामान। तो हम लोग एक साथ खरीद लेते हैं तो वही खरीदना था, तो इसलिए हम और ये अभी स्कूल से आए थे तो हम लोग रेडी होके जा रहे हैं सामान खरीदने। सही रहता ना, एक साथ खरीद लो तो। वहीं पे जा रहे तो चलो जाते हैं और लेके आते हैं सारा सामान, फिर मिलते हैं आपसे। कितनी सॉफ्टी निकल रही है इसमें, दिखा दिखा ना किसमें? इसमें ये जो मिला है ये मेंटोस में। ओहो, गिर गई? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं नहीं इसमें इसमें वैसा है क्या? वो अलग अलग है, जेली टाइप है। जेली टाइप नहीं, वो होते हैं वैसे ही होते हैं। और आरब को उसमें क्या भी मिला? आरब क्यों किचन? इसके देखो टीथ कितने निकले, दिखा? हाँ ये देखो। हम लोगों ने खरीदारी कर ली क्योंकि हम लोगों का घर ही का सामान खरीदना था, सब किचन वाला। तो खरीद लिया, अभी घर पहुंचेंगे तब दिखाएंगे। और अच्छा सॉन्ग चालू रहता है कि गाड़ी में सॉन्ग नहीं बजा रहे हैं क्योंकि हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, है ना? और खाने में लगे तो एक साइड बिल्कुल देखो। अरे हेलो, अरे खाने में लगे हैं तो अरे उसी में बिजी है। ठीक दे देता है ये सामान है। हाँ हाँ हाँ, अभी हम लोग सोच रहे थे हम लोग गोलगप्पे खाएंगे पर जगह नहीं है टमी में गोलगप्पे खाने। क्यों? यही तो चक्कर है क्योंकि हम लोगों ने लेट खाने ही खाना है, खाया है इस वजह से। पर कोई बात नहीं, किसी और दिन खा लेंगे, गोलगप्पे अच्छे लगते। ये लेके आए सारा सामान, पोए लेने थे वो लेके आए क्योंकि किचनी का सारा सामान था ना, तूर दाल, अरहर की दाल मेरे यहाँ तो बोलते हैं, वैसे बहुत जगह तूर दाल बोलते हैं, तो वो लेके आए। और ये मिक्स दाल लेनी थी वो लेनी, ये हम लोग ये एक साथ सामान लेके आते तो पूरा मंथ चलता रहता सही से, इस वजह से एक साथ सामान खरीद लेते। तो और हल्दी का था, आरफ को फ्रूटी चाहिए थी तो आरफ फ्रूटी भी लेके आए, केक और ये जीरा, ये बिरयानी राइस बिरयानी बनाने के लिए, और हल्दी, ये भी आरफ ही के खाने के सामान है। और ये गरम मसाला चाहिए था, अचार नहीं था तो ये मिक्स अचार लेके आए, और ये लेके आए घी अमूल वाला, और ये सब आरफ खाने के सामान लेके आए, केक वेक ये सब खाने के सामान आरफ के, ये चॉकलेट सब निकाल के रखा। ये मुझे चाहिए था मेरा फेस वॉश क्योंकि मुझे सूट नहीं करते ना कोई से। मैगी मैंने दिख रही ना, मैगी, और ये पैकेट लेके आए बिरयानी मसाला का, वेज बिरयानी मसाला का पैकेट है। ये मैगी के साथ उसने ऐसे दे दिया फ्री साथ में, तो ये और भी सामान है, चीनी ऑयल ऑयल जितना सामान होता है सब, आटा वाटा तो काफ़ी और सामान है। ये पैकिंग के सामान थे तो दिखाए, और ये मुझे एक चाहिए था तो मैं ये एक लेके आई, कल मेरे पास था वो ख़राब हो गया था, फिर स्पून से करने लगे थे तो ये एक लेके आए परेट के बनाने के लिए। और ये लोग
वो बाहर बैल लगी थी ना, तो उसमें एक बैटरी पड़ती है, तो छोटी सी वो लेके आए, तो उसी को सही कर रहे, सेटिंग बना रहे उसी की। तो यही हुआ। अभी अब हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा और टाइम हो गया, 8 o'clock हो गए हैं। फिर बनाऊंगी डिनर, डिनर में बनाऊंगी चीले के पराठे, चीले चीले के पराठे कहते, चीले बनाऊंगी। और तो चलो करते हैं, इन सबको बाद में उठा के रखूंगी, अभी तो ऐसे ही रखा रहने दूंगी, बाद में सब उठा के रख दूंगी। आरव भी क्या लेके आया यार, आरव ये इरेजर भी लेके आए, ये न्यू तरीके की इरेजर आई है ना आरव, कैसे होती है इरेजर? ये बैल सही कर रही है, वो सही क्या, उसमें बैटरी डलनी थी, वही डाल रही है। चलो आरव भी हंस गए। चलो चाय पीते हैं, चाय पियो चाय। कौन बनाएगा चाय, क्यों कौन बनाएगा चाय? ये मैंने घोल लिया आटा और बेसन चीले बनाने के लिए, और ये प्याज कट कर लिया, धनिया मिर्च, और इसमें नमक मिक्स करूँगी। रेड मेरे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं, इस वजह से नहीं मिक्स करूँगी, और बस बना लेंगे, टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करना घर में बना के, कि फिर बताना कैसे लगते। हम लोगों तो बहुत अच्छे लगते, जिसको चटनी के साथ खाना हो, चटनी के साथ हम लोग चाय के साथ खाते हैं, चाय के साथ हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब बनाते हैं इनको, मिक्स कर लूँ फिर। गाढ़ा है तो इसमें भी और बाटर मिला लेंगे। एक जो बेसन के बनते ना, वो उसमें केवल बेसन का ही होता है, ये मैंने बनाए हैं आटा और मतलब आटा और थोड़ा सा बेसन मिक्स करके, तो ये मैं ऐसे बना रही हूँ। और एक जो उसके बनते हैं ना बेसन के, वो अलग होते हैं, उसमें सिर्फ बेसन ही से बनते हैं, और एक मीठे भी बनते हैं, उसमें मीठा डाल के तो बनाते हैं। Yeah.
टेस्टी टेस्टी। और ये बनी अब हम लोग खाएंगे और मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे। हो गया डिनर, आप लोगों को हो गया, हमने खा ली और अच्छे बन गए थे। आप लोग भी ट्राई करना बना के देखना ऐसे वाले भी, और कई एक तरीके के बनते हैं पर आप लोग ऐसे वाले भी मेरे तरीके से भी बना के देखना, अच्छे लगेंगे। आप मेरा तरीका नहीं है, मम्मी बनाती हैं तो उसी तरीके से मैंने बनाए ये वाले। और वैसे तो कई एक तरीके से बनते, मीठे भी बनते, बेसन की भी बनते, काफ़ी तरीके से बनते। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वो मेरे ब्लॉग के पास ही रेड कलर का लिखा है, उसको दबा लेना। और उसके पास वो घंटी बजी है, उसको ज़रूर बजा लेना ताकि मैं जैसे ही ब्लॉग डालूँ आपके पास पहुँच जाए। तो बाय बाय, और तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।